इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन हौज खास की स्मृति में सपरिवार। ओम नमः सिद्धिव्यां, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धिव्यां, ओम नमो अजते भगवते श्रीमती श्री पार्वती शंकराय द्वादश गणे परिवेशिताय शुक्ल ध्याने पवित्राय सर्वज्ञाय सर्वविसिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमदनाय अनंत दर्शनाय रानक मिली जहाँ की चरणा में गुरु के आखे गुरु तेरे चरणों में मैंने दो जहाँ पाया मिल गई सारी खुशियाँ गुरुवर ने मुझे काया। बोलो बाल योगी सौभाग सागर जी महाराज फल कर्मों का सुख दुख जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। हे भवे जीवो, ये जो संसार की अव्यवस्था है, ये जो संसार में अशांति का अनुभव है, उसको लाने वाले यदि कहीं लोग हैं तो संसार के ही लोग हैं। भगवान कहीं अशांति नहीं लाते, स्वर्ग से देवलोक अशांति नहीं लाते। आपके घर में गंदगी कौन करता है? पड़ोसी की घरवाला, घरवाला ही करेगा। उसी तरह से आपके जीवन में अशांति लाने वाला कोई और नहीं। यदि अपने जीवन में अशांति परेशानी दुख लाने वाला व्यक्ति है तो हम और आप वह स्वयं हैं। आप अपना स्वयं का विचार बदलो, परेशानी समाप्त हो जाएगी। कल तक जिस व्यक्ति को आप हजारों की भीड़ में लाखों की भीड़ में अपना कहा करते थे, लेकिन जब मन के विपरीत हो गया तो कहने लगे कि यही व्यक्ति मेरा नहीं है, बाकी लाखों मेरे हैं। क्या है, क्या स्थिति है, क्या विचित्रता है। और इन सब का कारण है हमारा मन। इसलिए तो आचार्यों ने कहा मने एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षो, कि मन ही मनुष्य के बंद का मोक्ष का बंद का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन की उपमा करते हुए आचार्यों ने तरह तरह से मन की उपमा कही। उन्होंने मन को मरकट भी कह दिया। क्या कहा उन्होंने? मन को मरकट भी कह दिया, अर्थात मरकट जो होता है बंदर कहते हैं। बंदर कभी एक स्थान पर एक जगह रह नहीं सकता। यदि उसने डाल पकड़ ली तो भी समझ के चलना कि जीवन में व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। हमारे मन के विपरीत यदि कोई कार्य हो रहा है तो आप उस व्यक्ति को भला बुरा कहने की जल्दी मत करें, पहले उस काम को अंजाम दे दें। हो सकता है कि आपके मन के विपरीत वह जो कार्य कर रहा है उसमें भी आपका कहीं ना कहीं भला छुपा हो, कहीं ना कहीं उसमें आपका अच्छा होने वाला हो। एक बार बरसात के मौसम में जब बहुत बरसात हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, एक चिड़िया भींगते भींगते एक पेड़ के पास पहुंची और पेड़ से कहा कि मैं बहुत भींग रही हूं, मूसलाधार बारिश आ रही है, बाढ़ आने की संभावना भी है, मुझे आप अपने पेड़ में रहने का स्थान दे दो। पेड़ ने मना कर दिया, मेरे यहां कोई जगह नहीं है। बड़ा गुस्से में कहा, चिड़िया को बुरा लगा, चिड़िया को बुरा लगा और उसने कहा पता नहीं कैसा व्यक्ति है, मुझे छोटी सी जगह चाहिए थी, मुझे रहने को दे देता तो मेरी जान बच जाती। वह भींग पंखों से हिम्मत करते करते दूसरे एक जो ये जो पेड़ था वह थोड़ा सूखा था, दूसरा जो पेड़ था वह छायादार था,
फलदार था, वहां पर हिम्मत करके गई, पता नहीं वहां क्या होगा। और वहां पर जाने के बाद में उसने कहा कि जो है मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, जितनी चाहे जगह ले लो। प्रातःकाल रात्रि में इतनी बारिश हुई कि कई घर उखड़ गए, कई पेड़ जड़ से निकल गए। और प्रातःकाल वह चिड़िया देखती है कि जिस पेड़ से पहले वह सहायता मांगने गई थी वह भी पानी में बह रहा है। उसने कहा चिड़िया ने कि देखो तुमसे मैंने आश्रय मांगा था, तुमने आश्रय नहीं दिया। पेड़ मुस्कराया, बहते बहते भी मुस्कराया कि तुमने मुझसे आश्रय मांगा था लेकिन मैंने जानबूझकर आश्रय नहीं दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगली बारिश आएगी और मैं बहकर चला जाऊंगा तो जो मेरे साथ में लोग होंगे वही भी बहकर चले जाएंगे, इसलिए मैंने तुमको अपना आश्रय देने से मना किया था। मैं चाहता था कि मेरा तो जीवन की लीला समाप्त है लेकिन तुम्हारे जीवन की लीला बची रहे। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचने के पहले समझ लें कि क्या होने वाला है। उस पेड़ के मन में भावना ये नहीं थी कि मैं इसको आश्रय ना दूं, बल्कि उसके मन में ये भावना थी कि कम से कम क्या करूं, कम से कम क्या करूं कि उसके प्राण बच जाएं और मेरा तो जाना हो ही रहा है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी निर्णय लेना हो तो जल्दबाजी में ना लें, पहले सोचें समझें और उसके बाद में बोलने का प्रयास करें। अब परमात्मा की कहर देखिए, परमात्मा की मेहर देखिए। परमात्मा जो हैं उन्होंने इंसान को दो आंखें दी, दो कान दिए, दो हाथ दिए, दो पैर दिए। दांत कितने दे दिए? 26, 28, 32 सब कुछ दे दिया, लेकिन उन्होंने इंसान को बोलने के लिए एक मुंह दिया। बोले एक मुंह से तो पूरी महाभारत रामायण चल रही है, एक मुंह से तो पूरी भगवत गीता नहीं बाज पा रहा है इंसान। एक मुंह से भगवत गीता बाज ले तो ही कल्याण हो जाए, एक मुंह से नमोकारण पढ़ ले तो कल्याण हो जाए। हर चीज दो दी, चाहते मुख भी दो दे सकते थे। आज के समय में इंसान खा भी रहा है, बोल भी रहा है और मोबाइल लेके तीसरा काम भी कर रहा है। आप सब तो धर्म अच्छे लोग होंगे, कभी कभी आप आस पड़ोस में देखिएगा कि आदमी खाता भी रहता है, बोलता भी रहता है और मोबाइल भी रहता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, व्यवस्था बताना चाह रहा हूं कि पहले के जमाने में आदमी एक मुख से होता था, भोजन करते समय भोजन करता था, भजन करते समय भजन करता था और किसी से प्रेम के शब्द बोलना है तो प्रेम से शब्द बोला करता था। लेकिन आयशाम भगवान को पता था कि दो आंखें चलेंगी, दो कान चलेंगे, हाथ पैर भी दो चलेंगे, दांत 32 चल जाएंगे, 28 चल जाएंगे, 26 चल जाएंगे, लेकिन मुख दो दे दूंगा तो क्या होगा, सारा संसार की समस्याएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती जाएंगी। यदि मैं कहता हूं इंसान को जितना खतरा आग से नहीं है, इंसान को जितना खतरा आग से नहीं है, इंसान को जितना खतरा गोली बंदूक से नहीं है, इंसान को जितना खतरा पानी से नहीं बल्कि महामारी से नहीं है, इंसान को यदि सबसे ज्यादा खतरा यदि है तो वह दूसरे की जुबान से है, क्योंकि जुबान यदि फिर गई तो सारा कराधरा समाप्त, और जुबान यदि सही चल गई तो खराब को भी अच्छा बना दिया करती है। आप किसके लिए कर रहे हो? जितने व्यापारी वर्ग हैं, जितने सर्विस क्लास के लोग हैं, जितने लोग धन अर्जन करते किसके लिए करते हैं? आज तक मुझे दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिले देखने को जो कहते हो मैं जो कमा रहा हूं अपने लिए कमा रहा हूं। आप क्यों कमाते हो? अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। और जिनके लिए आप कमा रहे हो, जिनकी सुख सुविधा का आप ध्यान रख रहे हो, जिनके लिए आप अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहते हो और उनसे अच्छा ही नहीं बोल पाते हो तो कमाना बेकार है। आप महिलाएं भोजन बना रही हैं, क्यों बना रही हैं? कि मेरे पिताजी, मेरे ससुर, मेरी पतिदेव, मेरा बच्चा आएगा उसको अच्छे से भोजन दूं। आप भोजन बना रहे हो उनकी क्षुधा को नाशन करने के लिए। मैं कहता हूं सबसे, मैं एक बात कहता हूं हर व्यक्ति से, पुरुष वर्ग से एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप कमाई करते हो तो कमाई 10% कम करना, लेकिन जिनके लिए कमा रहे हो उनको सुख शांति पूर्वक बोलना। और सभी महिलाओं से कहना चाहता हूं कि जीवन में आप पकवान बना रहे हो, भोजन बना रहे हो तो एक पकवान कम बनाना, एक सब्जी कम बनाना, रोटी की जगह पूड़ी की जगह रोटी बना लेना, लेकिन जब भोजन परोसने जाओ तो इतने प्रेम से भोजन बनाना कि एक रोटी में उसको हलवा पूड़ी का आनंद आ जाए। लेकिन हलवा पूड़ी में क्या हो रहा है? हलवा पूड़ी में भूख का वास हो जाए, ऐसा काम मत करना।
जिंदगी में आपको बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन यह सब अवसर जीवन के स्वर्णिम अवसर होते हैं। पता नहीं अवसर मिले लेकिन हमारे हाथ पैर ना चलें, पता नहीं सम्मेत शिखर जी पहाड़ पर पहुंच जाओ लेकिन तबीयत खराब हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डायबिटीज हो जाए, तो आदमी डोली के सहारे, साइकिल के सहारे, गाड़ी के सहारे चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब भी जीवन में अवसर मिले, परमात्मा का ध्यान, परिवार की व्यवस्था, गुरुओं का सत्संग, जिनवाणी का स्वाध्याय और समाज में हिलमिल के रहने का प्रयास करें। आप किसको खुश कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो? आप उनके बारे में सोचो जो आपके साथ में मरते दम तक साथ में हैं। अरे आप इनके बारे में सोच रहे हो कि मैं गाड़ी में बैठकर जाऊंगा तो गाड़ी के लोग क्या देखेंगे, इनको कोई लेने देना नहीं है। जो गाड़ी में आपके साथ में बैठे हैं उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि आप कैसे पहन रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। हाँ, लेकिन आप यदि किस तरह से भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, परिवार के पास जा रहे हो, इनसे जरूर दुनिया को लेना देना है। आप सुंदरता, खूबसूरता, नाराजगी, राजगी, प्रसन्नता, यह सब किनके साथ कर रहे हो? इंसान जब कहीं ऑफिस में जाता है, कहीं कोई काम होना होता है, तो आदमी कितना भी बोलने वाला क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो सीट वाला कहता नहीं सिट डाउन, जब तक बैठता नहीं है, और कहीं पर सत्संग में आ जाए, मेरे पास भी आ जाए, जगह नहीं मिली, अगले दिन से मंदिर ही बदल गया, मैंने पूछा क्यों नहीं आए जी, क्या करें, आपके पास में आया, आप सब तो अच्छे लोग हैं, आपके पास में आया, वहां जगह ही नहीं थी। अरे भाई, तुम जगह ढूंढने आए थे, तुम जगह ढूंढने आए थे कि प्रभु से, गुरु से अपना आत्म साक्षात्कार करने आए थे? जो व्यक्ति जगह ढूंढने आता है उसको जिंदगी में कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, और जो प्रभु से, गुरु से आत्म साक्षात्कार, क्योंकि देखिए जिसकी दृष्टि गुरु पे या प्रभु पे, जिनवाणी पर है, उसको आजू बाजू का कुछ दिखेगा ही नहीं, सीधा सीधा हिसाब है। और जिसकी दृष्टि आजू बाजू वालों पर चल रही है, उसकी दृष्टि कभी गुरु पर जा ही नहीं सकती, उसकी दृष्टि कभी परमात्मा पर जा ही नहीं सकती, उसकी दृष्टि कहीं होती नहीं। हमारे गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर एक बात कहते थे, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, जो आत्म में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना, कि जो आत्म में रम जाता उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर भी आने के बाद में आप, मुझे समझ में आज तक बात नहीं आई, मुझे आज तक जानकारी समझ में नहीं आई कि जब दुकान पर आप जाते हो वहां पर आपको डायमंड भी दिखाता है, सोने की चेन भी दिखाता है, सोने की घड़ी भी दिखाता है, चांदी के बर्तन भी दिखाता है, नौरतन भी दिखाता है, लेकिन आप देखते क्या हो, क्या देखते हो? जो वस्तु आपको चाहिए है वह। तो यहां पर आपको चाहिए क्या है? सीट, कुर्सी, चटाई, पाटा की गुरुदर्शन। तो विचार करिएगा हम, और ये बात आपकी नहीं, ये बात साधु संतों हमारी नहीं, ये बात सबके लिए लागू है कि हम चाहे संत बन जाएं, चाहे हम त्यागी पुरुष बन जाएं, लेकिन जब तक मन के अंदर के ये संकल्प विकल्प समाप्त नहीं होंगे तो आप तो भगवान के समक्ष में पहुंच जाओ, वहां से भाग लोगे। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जो इंसान अपने परिवार वालों के साथ में, अपने संघ वालों के साथ में अच्छे से नहीं बोल सकता, वो दुनिया में क्या बोलेगा, दुनिया में कैसे बैठेगा? इससे अच्छे तो जानवर है, चींटी एक बिल बनाती है, उसके अंदर धनाधन चींटी जाती है, धनाधन चींटी जाती है, वहां रोक टोक नहीं है कि यहां गर्मी या सर्दी या बरसात कुछ नहीं हो, तो जाती रहती है। और इंसान इससे भी बेकार हो गया, इंसान इससे भी गया बीता हो गया। मंदिर में पूजक बन के आओ, पुजारी बन के आओ, गुरुओं के पास में ज्ञान लेने के लिए आओ, जिनवाणी का श्रवण करने के लिए आओ, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। लेकिन आज सुनने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब करने का समय आता है तो हमसे बढ़कर कौन, जब करने का नंबर आता है तो उस समय लगता है क्या होगा। और आजकल तो मैंने कुछ समय से सूक्ति अपना ली, मैंने कई बार प्रश्न होता है, हमारे गुरुदेव कह रहे थे, एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी समाज के लोग आते हैं वो कुछ कुछ बात करते हैं,
आप समाज के लोग नहीं है। कई जगह के लोग आते हैं, कुछ कुछ बात करते हैं, कैसी कैसी बातें, क्या करूं, वो कुछ बोले ही नहीं, आचरसी कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं जब काम की बात बोलते हैं। मैंने ठीक है, फिर मैंने एक दिन बाद फिर पूछा, समाचार दिया, बोले भैया देखो आज के समय में सीधी सी बात है, बाकी युद्ध से कोई जीत नहीं सकता, बोलने वाला जो युद्ध है उससे कोई जीत नहीं सकता, मलि युद्ध से कोई जीत नहीं सकता, जल युद्ध हो नहीं सकता। तो मैंने कहा महाराज जी क्या करें, समस्या जो गंभीर आ जाए। बोले सबसे बढ़िया तरीका है चार लोग, ये सिर्फ समझाने की बात है, ऐसा कभी करना नहीं आप लोग, सबसे बढ़िया तरीका है जब चार लोग झगड़ते आपके पास में आए उनको चार लोगों को डंडे दे दीजिए, चार लोगों को डंडे दे दीजिए, कमरे के अंदर बंद करिए और बोलना भैया चारों में से जो आदमी जीत के आ जाएगा वो विजेता होगा, क्योंकि बोलने वाले युद्ध से तो इंसान कभी जीत ही नहीं सकता, आदमी मरण सैया पर भी है लेकिन वो बोलना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चक्कर क्या, बोलने में शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती है, और जिस चीज से शरीर को तकलीफ होती है वह काम इंसान दोबारा कभी करेगा ही नहीं। तो जीवन में प्रेम की बातें सीखो, प्रेम की बातें सीखो, प्रेम की बातें बोलो और अपने जीवन का कल्याण करो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24-24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रूपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चैताले में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।